नमस्कार, छिंदवाड़ा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखने विस्तार से। महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस का कल रात छिंदवाड़ा आना हुआ। सर्किट हाउस में विश्राम करने के बाद आज सुबह अर्चना चिटनिस ने पौधारोपण किया, जिसमें महिला बाल विकास के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर परिषद बिछुआ में अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा की जारी वित्तीय अनियमितताओं और घटिया निर्माण कार्य को लेकर नगर परिषद के पार्षद कलेक्टर से मिले और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों का निराकरण सही समय पर नहीं किया गया तो सभी पार्षदगण भूख हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। जिले में आतंक का पर्याय बन चुके हत्या के दो आरोपी संदीप और उमेश मर्सकोले को पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देशानुसार गठित टीम द्वारा पकड़ा गया। गौरतलब है कि हत्या के चार आरोपियों में से दो को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका था। घटना में जो शामिल लोग थे वे सभी गिरफ्तारी हो चुकी थी, सिर्फ दो लोगों की जो की संदीप मर्सकोले और उमेश नामक दोनों भाई हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनको गिरफ्तार किया गया, प्लस इनसे पूछताछ किया गया। इनकी गिरफ्तारी में फरारी के दौरान किन लोगों ने इनका सहयोग किया है, उन सबको पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस तरह कुल सात लोगों की गिरफ्तारी हुई आज। आनंदम उत्सव के अंतर्गत चल रहे खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत आज गर्ल्स कॉलेज में स्वच्छता पर रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इंदिरा गांधी क्रिकेट ग्राउंड में चल रही स्वतंत्र सेनानी स्वर्गीय मनोहर लाल मालवीय जी की स्मृति में इंडिया ऑयल क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार।